हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एंगुलर मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। वर्कशॉप्स और टूल रूम्स में प्रिसाइज मेजरमेंट, एंगल्स की प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। इंटरचेंजेबल पार्ट्स हैं हमारे, गियर्स हैं हमारे, जिग्स, फिक्स्चर्स, इन सब के एंगल्स को मेजर करना हमारी नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम लोग बोर्स के टेपर्स की बात करते हैं, फ्लैंक एंगल्स की बात करते हैं, गियर एंगल्स की बात करते हैं, और जो आपका सिटिंग सरफेस है जिग का, वो जो एंगल बनाने वाला है, या जिब का टेपर एंगल जो है, इसी तरीके के और भी बहुत सारे एंगल्स जो होते हैं वो हमारे टिपिकल मेजरमेंट्स होते हैं जो कि हम टूल रूम्स या वर्कशॉप्स में करते हैं। हमारा एंगल मेजरमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंगल मेजर करना नहीं है, पर हमारे जो मशीन पार्ट्स हैं उनकी अलाइनमेंट को एसेस करना हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे मशीन पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रेटनेस को, पैरेललिज्म को, उनकी फ्लैटनेस को चेक करना होता है, उनकी फ्लैटनेस को मेजर करना होता है। और ये जितनी भी मेजरमेंट होती है आपकी स्ट्रेटनेस की, पैरेललिज्म की, फ्लैटनेस की, ये हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके पूरी की जाती हैं, इनकी मेजरमेंट की जाती है। अब जब हम हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर ऑटोकोलीमेटर्स आते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इन चीजों को मेजर करते हैं। आपकी जो एंगल रीडिंग होती है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से की जाती है जो कि आपके एरर ऑफ अलाइनमेंट को मेजर करता है, ठीक है। जब हम एंगुलर मेजरमेंट की बात करते हैं तो जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे ध्यान में आता है वो है प्रोट्रैक्टर। जब हम लोग प्रोट्रैक्टर की बात करेंगे, ये आपका एंगल मेजर करने का बेसिक डिवाइस है। आपका एक सिंपल प्रोट्रैक्टर जो है वो एंगल मेजर करने का आपका बेसिक डिवाइस होता है। जब हम स्मॉल प्रोट्रैक्टर की बात करते हैं तो उनका लीस्ट काउंट 1 डिग्री के आसपास होता है। वहीं आपके बड़े प्रोट्रैक्टर्स जो होते हैं, लार्ज प्रोट्रैक्टर्स होते हैं, उनका 0.5 डिग्री के आसपास लीस्ट काउंट होता है। एंगल्स मेजर करने के लिए, एक्यूरेटली एंगल्स को मेजर करने के लिए यूजर को कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका जो सरफेस है वो आपके ऑब्जेक्ट के सरफेस के पैरेलल होना चाहिए। आपके प्रोटेक्टर की जो रेफरेंस लाइन है वो आपके जो भी एंगल आपको मेजर करना है उसकी रेफरेंस लाइन के साथ परफेक्टली कोइंसाइड होना चाहिए। प्रोटेक्टर की रेफरेंस लाइन एंगल की रेफरेंस लाइन के साथ परफेक्टली कोइंसाइड होनी चाहिए। अगर हम अलग अलग टाइप के प्रोटेक्टर की बात करें तो सबसे पहले आपका यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर आता है। आपका यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर जो होता है उसकी एक्यूरेसी 5 मिनट्स की होती है। ये ज्यादातर टूल रूम्स और मेट्रोलॉजी लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है। इस यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर में एक बेस प्लेट होती है, स्टॉक होता है, जिसकी सरफेस फिनिश और फ्लैटनेस जो है वो 0.5 डिग्री की होती है। आपका स्टॉक जो है उसको आप वर्कपीस के ऊपर प्लेस करते हैं, आपका बेस प्लेट या स्टॉक, इसको आप वर्कपीस के ऊपर प्लेस करते हैं जिस भी वर्कपीस का आपको एंगल मेजर करना है। वहीं जब हम आपके बेवल की प्रोटेक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर एक एडजस्टेबल ब्लेड अटैच होता है एक सर्कुलर डायल के साथ जो कि आपके एंगुलर सरफेस के साथ कोइंसाइड करता है। आपका एडजस्टेबल ब्लेड जो है वो आपके एंगुलर सरफेस के साथ कोइंसाइड करेगा जिस भी एंगल को आपको मेजर करना है। इसको एडजस्टेबल टेबल को आप स्विल करा सकते हैं और इसको रीडिंग के लिए आप जिस भी पोजीशन में लॉक करना चाहते हैं आप लॉक कर सकते हैं। आपका जो मेन स्केल है यहाँ पे इस यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर में, जो आपका मेन स्केल होता है उसको 4 क्वाड्रेंट्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होता है और चारों क्वाड्रेंट जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। हर एक डिवीजन जो है यहाँ पे वो 1 डिग्री को रीड करता है और ये जो डिग्रीज हैं इनको 0 से 90 तक आप नंबर करते हैं 0th डिवीजन से। आपका वर्नियर स्केल भी होता है इसके अंदर जिसकी 24 डिवीजन्स होती है जो कि 46 डिवीजन्स, मेन स्केल की 46 डिवीजन्स के बराबर होती है। आपके वर्नियर स्केल की जो डिवीजन्स है वो 0 से 60 पे आप नंबर करते हैं 0th डिवीजन से। इसमें आप एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों टाइप के एंगल्स को मेजर कर सकते हैं और स्पेशल केयर आपको ये रखनी होती है कि प्रॉपरली आप एंगल को डिफ्रेंशिएट कर सकें जो भी आपके स्केल के ऊपर इंडिकेट हो रहा है और उसको आप फिर यूज कर सकें। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमने कहा एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल दोनों टाइप के एंगल्स को आप यूज कर सकते हैं, तो मान लीजिए जैसे आप
इस सरफेस का ये एंगल आप जो है मेजर करना चाहते हैं कि ये जो एंगल है ये कितना है, ठीक है, यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, तो आप क्या करेंगे इस पीस को, ये जो सरफेस है ये सरफेस आपका यहाँ रखा जाएगा और ब्लेड को इसके साथ आप एडजस्ट करेंगे, इस पार्ट के साथ ऊपर वाले सरफेस के साथ, जिसके बेस पे आपको एंगल की रीडिंग मिलेगी। वहीं मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके के सरफेस को करना है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन जो है वो बेस प्लेट के साथ आएगा और ये जो एडजस्टेबल ब्लेड है वो इस उल्टा करके इसके ऊपर रखा जाएगा। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल ब्लेड को आप नीचे ला सकते हैं और उसको इसके ऊपर प्लेस किया जा सकता है इस सरफेस के ऊपर, ताकि आपकी मेजरमेंट हो जाए। वहीं दूसरे टाइप के प्रोटेक्टर की हम बात करें तो वो ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर होता है। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर में कुछ एक्सटेंशंस की गई हैं जिसके बेस पे आपको ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर मिलता है। अब ऑप्टिकल से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोग किसी लेंस का यूज कर रहे हैं जो कि आईपीस की फॉर्म में होता है, जिससे कि आपके प्रोटेक्टर स्केल की इजिली आप रीडिंग कर सकते हैं। आपका ब्लेड जो होता है यहाँ पे, जैसे ये आईपीस यहाँ पे आपको दे दिया गया है ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर में, इसके हेल्प से आप लोग इजिली रीड कर सकते हैं अपने स्केल को। आपका जो ब्लेड होता है उसको डायल के साथ यहाँ पे क्लैंप किया जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग लेंथ के ब्लेड्स को आप यहाँ पे फिट करवा सकते हैं, और वो जो आपकी लेंथ है ब्लेड्स की वो डिपेंड करती है कि आपको किस वर्क पार्ट को जो है मेजर करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे वर्नियर नहीं है, ऐसा कोई प्रोटेक्टर जिसमें वर्नियर नहीं है, तो आपका जो डायल स्केल है, डायल स्केल की रीडिंग है वो डायरेक्टली आईपीस से ली जाती है। वहीं अगर यहाँ पे वर्नियर प्रोटेक्टर भी है तो आपको आईपीस को वर्नियर प्रोटेक्टर के साथ अटैच करना होता है, वर्नियर स्केल के ऊपर अटैच करना होता है, जिससे कि आपका आईपीस और वर्नियर स्केल दोनों एक ही यूनिट की तरह काम करेंगे और आपको प्रॉपर मेजरमेंट देने वाले हैं। आपका आईपीस जो है वो आपको रीडिंग का मैग्निफाइड व्यू देता है, ताकि यूजर्स को आसानी रहे मेजरमेंट के लिए। बाकी जो फंक्शन है वो दोनों का सेम है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का भी और ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर का भी। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है वो है साइन बार एंगुलर मेजरमेंट के लिए। इसको मेनली साइन प्रिंसिपल के बेस पे एंगल मेजर्स करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपका साइन बार का एक डायग्राम है जो कि डेटम लाइन के बेस पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो ये अपर सरफेस जो है आपके साइन बार का, ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज फॉर्म करता है। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो आपका जो ये साइन बार है ये एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है, उसके इसका अपर सरफेस जो रहेगा वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज पार्ट रहेगा। यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका साइन बार है, इसके अंदर दो रोलर्स हैं, ठीक है, एंड पे यहाँ पे दो रोलर्स फॉर्म कर रहा है। एक स्टील बार होती है जिसके अंदर दो रोलर्स होते हैं एट द एंड। आपका एक रोलर जो है जिस भी पार्ट की, जिस भी इसको एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रेस्ट करवाया जाता है, और दूसरा रोलर जो है उसकी हाइट को आप एडजस्ट करते हैं और उससे एक एंगल फॉर्म करवाते हैं आप, ठीक है। ये आपका वो एंगल रहने वाला है, ये कह दीजिए ये आपका वो एंगल रहने वाला है। जब आप इस पार्ट को ऊपर नीचे करेंगे तो आपके इस एंगल में चेंज आएगा और इसको आप अपना रेफरेंस एंगल मान सकते हैं, और इसी के बेस पे जो भी डिजायर्ड एंगल आपको मेजर करना है उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो जो आपका रिक्वायर्ड एंगल है उसकी अगर बात करी जाए तो वो आपके रोलर्स, जो दोनों रोलर्स हैं उनकी हाइट में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे आप निकालते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए इन दोनों रोलर्स के बीच की जो हाइट है वो एच है, तो ये जो हाइट रहने वाली, डिफरेंस हाइट रहने वाली है इन दोनों रोलर्स की, वो साइन ऑफ एंगल, जो भी आपका एंगल यहाँ रहने वाला है, इनटू जो भी आपके दोनों रोलर्स के सेंटर की लेंथ है, उससे आप अपने एंगल को ऑब्टेन करने वाले हैं जो भी आपको मेजर करना है। इसको कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील से बनाया जाता है, हार्डन ग्राउंड और स्टेबलाइज्ड होते हैं ये, और जो आपका साइज होता है सेंट्रल डिस्टेंस का वो 100 mm, 200 mm, 300 mm कुछ भी रह सकता है। वहीं आपका जो अपर सरफेस है उसकी जो डिग्री ऑफ फ्लैटनेस है वो बहुत ज्यादा होती है, अप टू 0.001 mm, और 100 mm लेंथ के लिए 0.001 mm है। ये परफेक्टली पैरेलल होता है किससे, आपके जो दोनों सिलेंडर्स हैं उनकी जो एक्सिस है जो सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है उसके परफेक्टली पैरेलल होता है आपका अपर सरफेस। साइन बार जो है अपने आप में ये कंप्लीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ एक्सेसरीज जैसे सरफेस प्लेट, स्लिप गोजेस हैं, इनकी हमें जरूरत पड़ती है मेजरमेंट प्रोसेस के लिए। हमने अभी बात करी जो आपका साइन ऑफ एंगल है, जो कि अपर सरफेस, साइन बार का अपर सरफेस और सरफेस प्लेट डेटम जो बना रही है वो किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं आप, साइन थीटा इक्वल्स टू एच बाय एल।
हमने अभी देखा था एच क्या आया था हमारा, साइन थीटा एल। तो यहां से आप एल की वैल्यू निकाल सकते, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं एच अपॉन एल। तो वही फॉर्मूला आपको यहां दोबारा गिवन है। अगर हम साइन ब्लॉक की बात करें तो ये जो आपकी वाइड साइन बार्स होती हैं उसको आप साइन ब्लॉक कहते हैं, जो कि बिना किसी सपोर्ट के स्टैंड कर सकती हैं। अगर आपका साइन बार जो है वो किसी इंटीग्रल बेस पर रेस्ट करता है तो ये अपने आप में साइन प्लेट बन जाता है। साइन प्लेट जो होती है वो साइन ब्लॉक से थोड़ी वाइड होती है। एक हैवी ड्यूटी साइन प्लेट जो होती है वो किसी वर्क पार्ट को होल्ड भी कर सकती है, मशीनिंग पर्पस के लिए या फिर एंगल इंस्पेक्शन के लिए। अगर आपकी साइन प्लेट जो है वो किसी दूसरे डिवाइस का इंटीग्रल पार्ट बन जाती है, किसी मशीन टूल का इंटीग्रल पार्ट बन जाती है, तो उसे आप साइन टेबल कहते हैं। वहीं लास्ट में हम एंगल मेजरमेंट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो चार बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो मैग्निफिकेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट के विजुअल को एनलार्ज करके आप ऑब्जर्व करते हैं। मैग्निफिकेशन की वजह से आप अपने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और इजिली भी मेजर कर सकते हैं। दूसरा जो आपका प्रिंसिपल है वो एक्यूरेसी है। यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आपको दिया गया होता है जिसकी स्टैंडर्ड लेंथ होती है, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड लेंथ होती है, और आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेजरमेंट आपको मिलता है। ये जो दोनों प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं ये कंपेरेटर्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। मेनली ये जो सेक्शन है आपका दो इंस्ट्रूमेंट के बेस पर पॉपुलर है। एंगुलर मेजरमेंट में हम लोग ऑटोकॉलीमेटर और एंगल डेकोर यूज करते हैं। तो आपके ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट है ऑटोकॉलीमेटर और एंगल डेकोर, ये इन पहले दो प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। आपका थर्ड प्रिंसिपल जो है वो है अलाइनमेंट, जिसमें कि आप क्या करते हैं लाइट रेस को यूज करते हैं एज अ रेफरेंस। फोर्थ आपका जो प्रिंसिपल है वो इंटरफेरोमेट्री है, जो कि अपने आप में एक यूनिफॉर्मना है लाइट का। हम लोगों ने इंटरफेरोमेट्री के बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी। अब हम लोग पहले बात करेंगे ऑटोकॉलीमेटर के बारे में। ऑटोकॉलीमेटर जो होता है वो एक स्पेशल फॉर्म है आपके टेलीस्कोप का, जिसको कि मेनली स्मॉल एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है हाई डिग्री रिजोल्यूशन के साथ। इसको हम लोग अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, जैसे प्रिसीजन अलाइनमेंट है, एंगल स्टैंडर्ड्स का वेरिफिकेशन है, एंगुलर मूवमेंट की डिटेक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, एक कोलिमेटेड लाइट की बीम आप रिफ्लेक्टर्स पर डालते हैं जो कि वापस डिफ्लेक्ट होके आती है वर्टिकल प्लेन के अलोंग एक स्मॉल एंगल बनाते हुए। तो उसी स्मॉल एंगल को हमें मेजर करना होता है। जैसे ये आपका रिफ्लेक्टर है, ये जब यहां से इंसिडेंट बीम आई, इसने जब इस पर स्ट्राइक किया तो ये क्या कर रही है, वर्टिकल लाइन के साथ एक छोटे से एंगल के साथ ये रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो डेविएट होके जा रही है। उसी एंगल की आपकी आपको यहाँ पे मेजरमेंट करनी होती है। जैसे यहां से आपका लाइट सोर्स था, लाइट सोर्स से आपकी इंसिडेंट बीम निकली है, इंसिडेंट बीम जाके आपके रिफ्लेक्टर पर स्ट्राइक करती है जो कि एक प्लेन मिरर होता है। वहां से आपकी रिफ्लेक्टेड बीम आपको आपकी निकलती है, और जो ये रिफ्लेक्टेड बीम है ये क्रॉस हेयर रेटिकल ऑब्जेक्टिव लाइंस वगैरह को पास होके वापस आपके आईपीस के पास जाती है, और आपका आईपीस या ऑब्जर्वर जो है उस रीडिंग को या उस स्मॉल एंगल को जो भी डेविएशन आपको नजर आया है उसको वो कैलकुलेट करता है। वहीं हम लोग जब बात करते हैं कि भाई जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मैग्नीफाई हो जाती है और इसको फोकस किया जाता है आईपीस पर या फिर फोटो डिटेक्टर पर, ठीक है, तो जो आपका डिफ्लेक्शन आता है इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम का, वो आपका एंगुलर टिल्ट होता है किसके लिए, रिफ्लेक्टर के लिए, कि उससे आप मेजर करेंगे कि आपका रिफ्लेक्टर जो है वो किस एंगल पर टिल्ट है। आपका जो रेटिकल है वो हमने बात की थी, आपका एक रेटिकल है वो इल्यूमिनेटेड टारगेट, वो अपने आप में एक इल्यूमिनेटेड टारगेट होता है जो कि क्रॉस हेयर पैटर्न फॉलो करता है। इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल प्लेन पर पोजीशन करते हैं। आपका प्लेन मिरर जो होता है वो ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और रिफ्लेक्ट इमेज को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक। वहीं आपको यहाँ पे क्रॉस वायर की इमेज के लिए एक व्यूइंग सिस्टम की जरूरत होती है। ज्यादातर ऑटोकॉलीमीटर्स में हम लोग एक सिंपल आईपीस यूज कर लेते हैं इस पर्पस के लिए। अगर आपके प्लेन रिफ्लेक्टर जो है वो किसी एंगल थीटा पर रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको आपकी जो इमेज का डिस्प्लेसमेंट है वो डी अमाउंट का मिल रहा है, तो जो आपका डी रहने वाला है वो यहाँ पे 2f थीटा होने वाला है।
डी यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट है, थीटा आपका एंगल है, एफ जो है वो फोकल लेंथ है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो इस रिलेशनशिप से आप ये ऑटोकोलिमीटर की सेंसिटिविटी को चेक कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि जो आपकी ऑटोकोलिमीटर की सेंसिटिविटी है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा आपकी फोकल लेंथ रहने वाली है उतना ही ज्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपको मिलने वाला है प्लेन रिफ्लेक्टर के टिल्ट के लिए। ऑटोकोलिमीटर्स जो है उनको उनकी क्लासिफिकेशन तीन टाइप की होती है। सबसे पहले हम बात करें तो विजुअल और कन्वेंशनल ऑटोकोलिमीटर्स आते हैं। जो यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड इमेज है उसकी डिस्प्लेसमेंट को आप विजुअली डिटरमाइन करते हैं। एक पिनहोल लाइट सोर्स यूज किया जाता है जिसकी रिफ्लेक्टेड इमेज जो है वो ऑपरेटर आईपीस के थ्रू ऑब्जर्व करता है। विजुअल कोलिमेटर्स जो होते हैं ये इनको इन्फिनिटी पे फोकस किया जाता है जिसकी वजह से आप शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों टाइप के डिस्टेंस को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। डिजिटल ऑटोकोलिमीटर आपका दूसरा टाइप है। इसमें आप इलेक्ट्रॉन फोटो डिटेक्टर का यूज करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट बीम को डिटेक्ट करने के लिए। इसकी मेजर एडवांटेज ये है कि ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को यूज करता है रिफ्लेक्टेड बीम को डिटेक्ट करने के लिए या फिर उसको प्रोसेस करने के लिए। ये स्ट्रे स्कैटर्ड लाइट को फिल्टर कर सकता है जिसकी वजह से आपकी इमेज की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो ऑटो कोलिमीटर है वो लेजर टाइप का होता है। अगर हम इंडस्ट्री में फ्यूचर एंगल मेजरमेंट की बात करें तो लेजर ऑटोकोलिमीटर जो है वो फ्यूचर है हमारा। यहाँ पे सुपीरियर इंटेंसिटी की लेजर बीम्स यूज की जाती हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। इससे आप बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी मेजर के एंगल्स को भी आप मेजर कर सकते हैं जिनका डाया 1 mm के आसपास है और इवन 15 meter से ऊपर का अगर आपका डाया है तो भी लॉन्ग मेजर रेंज पर भी आप इनको यूज कर सकते हैं। इनकी इससे अलग एडवांटेज ये है कि नॉन मिरर क्वालिटी सरफेसेस की मेजरमेंट भी इनसे की जा सकती है। यहाँ जो लेजर बीम हाई इंटेंसिटी लेजर बीम आप यूज कर रहे हैं वो नॉइस मेजरमेंट लो नॉइस मेजरमेंट यूज करती है और एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट जो है उसकी वजह से बढ़ जाती है। आपका जो दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो एंगल डेकोर है। एंगल डेकोर जो है वो ऑटोकोलिमीटर का स्मॉल वेरिएशन है, मतलब ऑटोकोलिमीटर में आपने थोड़ा सा वेरिएशन किया है जो कि एंगल डेकोर आपका फॉर्म हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट मेनली जो है आपके कंपेरेटर्स में यूज किया जाता है। इससे आप रिफ्लेक्टर जब आपका दो प्लेन्स में काम कर रहा है, ठीक है, आपके रिफ्लेक्टर जब दो प्लेन में है तो उन दो प्लेन्स में जो एंगुलर पोजिशन में आपके रिफ्लेक्टर के एंगुलर पोजिशन में चेंज आने वाला है उसको आप मेजर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक इल्यूमिनेटेड स्केल होता है। ये आपका वो इल्यूमिनेटेड स्केल है जो कि प्रिज्म के थ्रू आए हुए लाइट सोर्स को यूज करता है। उसको ये कोलिमिनेटिंग लेंस पर डालता है, वहां से ये आपकी जो लाइट है वो वर्कपीस पर जाकर स्ट्राइक करती है जिसके ऊपर रिफ्लेक्टर लगा होता है। रिफ्लेक्टर जो है उन लाइट रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है जो कि कोलिमिनेटिंग लेंस से वापस डेटम स्केल पर फोकस कर दी जाती है जिसके थ्रू वो आईपीस पर जाती है और आईपीस जो है या ऑब्जर्वर जो है ये देखता है कि आपका एंगुलर टिल्ट कितना हुआ है, ठीक है। जब ये वर्कपीस से रिफ्लेक्ट होती है तो इसको लेंस पर रिफोकस किया गया है। ऐसा करते हुए क्या होता है कि आपकी जो इल्यूमिनेटेड स्केल है आपका जो इल्यूमिनेटेड स्केल है वो 90 डिग्री रोटेशन हो जाता है उसके अंदर ऑप्टिकल एक्सिस के थ्रू। जब आपकी लाइट बीम जो है वो डेटम स्केल को पास करेगी तो वो लाइट बीम का पाथ ही फॉलो करने वाली है डेटम स्केल से। जब आप आईपीस से इसको मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक्सिस के 90 डिग्री पे ये एंगुलर डेविएशन आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो जो आपके फिक्स डेटम स्केल है उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पर आपको डेविएशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसेस मेट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।